हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन के कबाब, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है। मैंने आपके साथ बहुत सारे कबाब की रेसिपी शेयर करी है, वेज भी, और आज मैं आपके साथ नॉनवेज वाला शेयर करूंगी। तो मैंने सोया कबाब बनाए हैं, मैंने वेज कबाब बनाए हैं, मैंने बहुत प्रकार के कबाब बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ नॉनवेज वाले शेयर करूं। तो आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर से वो वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वंदनास कैफ़े को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरी रेसिपी अपलोड होती रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी इसके व्यूज़ बढ़ाइए, तो ताकि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए झटपट एक और बनाऊँ। गाइस, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन के कबाब, जो खाने में बहुत ही लाजवाब और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो पहले हम उसके लिए एक बहुत टेस्टी सी धनिया की चटनी बना के तैयार करेंगे, तो उसका स्वाद डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा अनियन ले लिया है और एक ग्रीन चिली है, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, बिल्कुल एक टेबलस्पून से भी बिल्कुल बहुत कम है। दो गार्लिक क्लोव्स लिए, हाफ टमाटो लिया है और हाफ अनियन लिया है। तो हम इनको अच्छे से, ये 250 ग्राम मेरे पास धनिया है, इसको भी हमने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है अच्छे से, और बिल्कुल हम इसमें डालेंगे, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी चटनी बनाएं तो उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालना ज़रूर से आप भी, क्योंकि उससे है ना धनिया की चटनी और जो पुदीने की चटनी होती है वो काली नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक टिप भी बता दी है, तो ये बहुत आसान तरीका है। जब क्योंकि हम ब्लेंड करते हैं तो हमारा जो मिक्सी है वो थोड़ी सी हीट हो जाती है, तो उसको हमें टेम्परेचर बिल्कुल कूल डाउन करने के लिए उसमें आप आइस ज़रूर से ऐड कीजिए। तो इसको यहाँ पर मैं ब्लेंड करके लाती हूँ, फिर आपके साथ मैं बाकी का कबाब का वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए, धनिया चटनी जो हमारी तैयार थी वो इसका कलर देखिए तो ये होता है। बर्फ आप ज़रूर से डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चटनी को रखते हैं साइड में और हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास 250 ग्राम कीमा है, तो अगर आपको कीमा नहीं अवेलेबल होता है तो बोनलेस चिकन भी आता है, आप उसको ब्लेंडर में डाल के पीस सकते हैं, तो उससे भी आपका कीमा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने 250 ग्राम कीमा एक बड़े बाउल में ऐड कर दिया है। यहाँ इसमें हम अनियन ऐड करेंगे, 1 अनियन है, इसको फाइनली चॉप कर लिया। और अगर आपसे इतना फाइन चॉप नहीं होता तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हो, और इसका एक्स्ट्रा जो वाटर है, अनियन का जो जूस है, उसको आप ज़रूर से निकाल दीजिएगा, नहीं तो आपका जो कबाब है वो गीले हो जाएंगे। तो यहाँ 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक ग्रीन चिली लिया, आप तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं एक ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया है 3 से 4 टेबलस्पून, वो भी ऐड कर देंगे। तो ये बहुत झटपट बन के तैयार होता है, और बहुत सारी रेसिपी मैंने कबाब की, वेज भी शेयर करी, हरा भरा कबाब किया है, सोया कबाब किया है, और सूजी कटलेट किया है, तो आप ज़रूर से वो ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं टीस्पून के आसपास धनिया पाउडर ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा रखेंगे इसको, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं टीस्पून के आसपास गरम मसाला ऐड करूँगी, यहाँ 1 लेमन जूस है वो ऐड कर देंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये वाले प्रोसेस में आपको हाथ ही यूज़ करने पड़ेंगे, नहीं तो मिक्स नहीं होगा अच्छे से। तो इसको बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मेरा कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मीट का भी ये वाले सेम इसी तरीके से मीट से भी बना सकते हैं, खाने में उतना ही लाजवाब है और बहुत आसान है इसको बनाना। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वंदनास कैफ़े को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको कुछ और चिकन की या मटन की रेसिपी देखनी है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो देखिए, हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यह मैं हल्का सा ऑयल हाथों पर ग्रीस कर लूँगी, और हम जितने हमको चाहिए उतने हम बना के तैयार करेंगे, ताकि हमारा काम बहुत आसान हो जाए। तो ये देखिए कितने परफेक्ट बन के तैयार हो रहे, और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बच्चों को टिफ़िन में भी ये दे सकते हैं। और आपका कोई सजेशन हो इसमें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ऐसे सारे बना के तैयार कर लेंगे। और इनको बिल्कुल अच्छे से हम लो फ्लेम पर अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे। तो पहले हम अच्छे से शेप दे देंगे, देखिए जितने आपको मोटे पसंद हो, जितने आपको पतले पसंद हो उतने आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं यहाँ इतने रख रही हूँ। तो हम ऐसे सारे बना के तैयार करेंगे।
तो देखिए मैंने सारे ऐसे बना के तैयार कर लिया। अब इनको शेलो फ्राई कर। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन रख दिया है, इसमें हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, 3 से 4 टेबलस्पून। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, क्योंकि ये अब इसको अच्छे से हम गर्म होने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आप ऐसे चेक करके देख लीजिएगा कि आपको हीट आ रही है कि नहीं, उसके बाद आप ये ऐड कीजिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर आपको थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। केयरफुली ऐड कीजिएगा, इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम सारे ऐसे पैन में अरेंज कर देंगे। थोड़ा गैप रखिएगा ताकि हमको फ्लिप करने में आसानी हो। तो हमने ऐसे सारे ऐड कर दिए। अब 1 से 2 मिनट के लिए पहले हम इसको एक तरफ से अच्छा क्रिस्पी होने देंगे, उसके बाद ही इसको टर्न करेंगे। अगर अभी इनको छेड़ेंगे तो ये टूट सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 1 से 2 मिनट हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चेक करके देखते हैं, काफ़ी देर हो गई है, अब इनको टर्न करते हैं। देखिए इसका कलर इतना लाजवाब, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मसालों की। तो हमने ऐड करें, देखिए, और हमने जो जितना ऑयल डाला था उसका भी काफ़ी बच गया है। काफ़ी देखने में कितने खूबसूरत लग रहा है। इसको हटके हाथों से एकदम प्रेस करते हुए अच्छे से एकदम सेक लेंगे। तो ऐसे हम अलग पलट तरफ से, दोनों तरफ से टर्न करके अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसको भी उतना ही टाइम देंगे, 1 से 2 मिनट। तो देखिए इनको हमने दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन कर लिया है, और काफ़ी अच्छा इनका कलर भी आ गया है, और ऑयल भी जो एक्स्ट्रा है वो हम नैपकिन पर निकाल लेंगे। तो देखिए बनके तैयार है हमारे चिकन के कबाब। अब इसी तरीके से मीट के भी बना सकते हैं, खाने में बहुत एकदम जूसी अंदर से, एकदम टेंटिंग और बहुत माउथ वाटरिंग है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, बहुत प्यारी सी सुंदर सी प्लेटिंग। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से यहाँ पे प्लेट में लगा लिया है। यहाँ पे हमने जो धनिया की चटनी बनाई है वो रखेंगे। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ पे मैंने बीट रूट का सैलेड रखा है, एक लेमन रखा है। तो आप भी बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूज़ बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर वीडियो पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।